नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस के द्वारा क्लास सेवन्थ की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एक त्रिभुज बनाओ विषम बाहु जिसकी तीन भुजाएँ ए बी सी डी है। तो आइए अब देख लेते हैं इस एंगल को भी विस्तार से। यहाँ पर सबसे पहले हम तीन भुजाएं ले लेंगे। तो जो तीन भुजाएं हमें दी गई है, तो इस तरह से मैं एक भुजा, ये पहली भुजा मेरी ए आ जाएगी और उसके बाद मैं थोड़ी सी से छोटी वाली भुजा ले लूँगी। ए से थोड़ी छोटी भुजा ले ली मैंने और जिसका नाम हमने दे दिया बी। और एक जो तीसरी भुजा जो है वो इससे भी मैंने थोड़ी सी छोटी ली है, तो ये आ गया मेरा सी। तो ये तीन भुजाएँ आपको क्वेश्चन में दी गई है और आपको एक विषम बाहु त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो सबसे बड़ी जो रेखा है ए रेखा, तो उसके बराबर मैं एक लाइन ले लूँगी। जितनी ये भुजा है, जितनी ये रेखा है, ठीक आपने उतनी ही लेनी है इसके बराबर, और उसको हम नाम दे देंगे ए। और अब आपने क्या करना है, इस बी जो आपकी भुजा बी है, बी के बराबर आपने प्रकार खोलनी है और इस ए से आपने चाप लगा लेनी है। इस तरह से आपने चाप लगा लेनी है जो आपने बिंदु ए से लगा ली है। और यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे इस बिंदु को बी नाम दे देती हूँ। ये ए बी हमने नाम ले लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इस सी के बराबर, अब हमने सी के बराबर जो है अपनी प्रकार खोलनी है। पहले हमने बी के बराबर खोली, ए से चाप लगाई, फिर सी के बराबर आपने प्रकार खोलनी है और यहाँ बी से आपने चाप लगा लेनी है। और अगर वो चाप आपस में ना कट रही हो, ये चापें आपस में कटनी चाहिए, तो अब फिर से आपने भुजा बी के बराबर अपने प्रकार खोलनी है जितनी हमने भुजा बी खोल रखी थी। और जो ये चाप थी, आप इसको थोड़ा सा हल्का आगे बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से। और जहाँ पे ये दोनों चापें आपस में कट रही है, वो बिंदु आ जाएगा हमारा बिंदु सी। अब इस बिंदु को हम बी के साथ मिला लेंगे, ए बी के साथ हम इसको मिला लेंगे। तो पहले हम मिलाएंगे बी के साथ और उसके बाद हम मिला लेंगे इसको ए के साथ। तो इस तरह से ये वाली भुजा आपकी सी भुजा आ जाएगी और ये वाली भुजा आपकी बी भुजा और ये वाली भुजा आपकी ए के बराबर है। तो इस तरह से ये हमारा ए बी भुजा जो हमें दी गई थी, तो वहाँ से हमने एक विषम बाहु त्रिभुज बना दिया है। तो ये वाला एंगल हमारा हो जाता है।